आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। महावीर सत्संग सभा दिल्ली द्वारा पंजाबी बाग सनातन धर्म मंदिर में जागृति नामक भजन संध्या सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें मानव को मानव बनने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही मानव धर्म सबसे महान है, ये संदेश दिया गया। कलयुग काल जब हटने लगा तो वो दिन आने वाला के संदेश से ओतप्रोत नृत्य की शानदार प्रस्तुति की गई, जिसमें बच्चों ने संदेश दिया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक ही है, यही मानवता का संदेश है। जन जन तक पहुंचाने के लिए संपूर्ण भारत में सतयुग दर्शन ट्रस्ट द्वारा जागृति नामक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है सारी मानव जाति मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहे, प्रेम और एकता से रहे। नन्हे मुन्ने बच्चों ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी नहीं नामक नृत्य पेश किया, जिसके माध्यम से दिखाया गया कि हम सब एक हैं। इस नृत्य द्वारा बच्चों ने संदेश दिया कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, हम सबको कलयुग के भाव स्वभाव छोड़ने हैं और सतयुगी भाव स्वभाव अपनाने हैं, तभी ये युग सतयुग बन पाएगा। इस कार्यक्रम के बारे में बताते हुए सतयुग दर्शन ट्रस्ट द्वारा जागृति सत्संग की आयोजक अनुपमा तलवार ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मेरा नाम अनुपमा तलवार है और आज का जो प्रोग्राम है जागृति प्रोग्राम, ये हमारा काफ़ी टाइम से चल रहा है, हर शहर में बेसिकली इसको हम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। और ये सतयुग दर्शन ट्रस्ट जो है महावीर सत्संग सभा का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ये है कि मानव को उसकी अपनी असलियत पहचान कराने के लिए, सोए हुओं को जगाने के लिए, जिससे कि ये मानव चोला जो है इस मानव जीवन को हम सार्थक कर सकें। इस जीवन में हम अपने लक्ष्य को, जो हम भूल चुके हैं कि किस लिए हम आए थे, दुनिया में फंस कर रह गए हैं, तो वहाँ से हटकर उस ईश्वर का अंश जो हम हैं एक मानव, क्योंकि हम असलियत में आत्मा हैं, उसकी पहचान करते हुए हर सज्जन के साथ अच्छा व्यवहार करते हुए मानव को मानवता अनुरूप ढालने के लिए इस प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करा जा रहा है, जो इंटरनेशनली करा जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, भारत में ही नहीं, क्योंकि हमारा मानना है कि मानव को मानवता बनने के लिए कोई सरहद रोक नहीं सकती। तो ये बियॉन्ड कास्ट कलर क्रीड रिलीजन एंड बाउंड्रीज सबके लिए है, सबको जागृति में लाने के लिए है और समभाव समदृष्टि उसको अपनाने के लिए है। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कलुकाल के बाद अब सतयुग आना निश्चित है, तो क्यों ना सब मिलकर अपने आप को तैयार करें उस सुनहरे युग में प्रवेश करने के लिए और अपना जीवन सफल बनाएं। इसीलिए ये जागृति प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। थैंक यू। मानवता, मानव अपने असलियत स्वरूप को भूल चुका है, वो क्या है वो उसको भूल चुका है। अब उसका नाता जो रह गया है वो मिथ्या सिर्फ इस संसार से रह गया है, वो अंदरूनी अंदर उसके जो सब कुछ निहित है ईश्वर ने उसको सब बुद्धि और सब शक्तियाँ देकर जन्म दिया है, हमारा जन्म हुआ है, लेकिन हमने सब कुछ भुलाकर हम बाहर की तरफ हो गए, बाहर मुखी ज़्यादा हो गए हैं। तो इसीलिए अंदर मुखी होने के लिए हमें, जब सूरजमुखी का फूल होता है, जब जिस तरफ सूरज होता है चढ़ते सूरज की तरफ ही उसका मुख हो जाता है और वो खिल जाता है, उसी प्रकार हम सबको भी अंधकार से, अज्ञान से अपने आप को हटाकर प्रकाश की ओर लाना होगा। प्रकाश की ओर लाएंगे तो वो अंधकार अज्ञान अपने आप मिट जाएगा और हम अपना जीवन
सफल बना सकेंगे। मानव जीवन के लिए निश्चित रूप से ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है, बिल्कुल आशा करते हैं जारी रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बस शुरुआत है, अभी तो कारवां शुरू हुआ है, आगे बहुत लंबा जाना है सफ़र। लेकिन हाँ, बहुत आज भी बहुत लोग हमारे पास जो आए हैं, आज जिन्होंने ये प्रोग्राम अटेंड करा है, वो 600 से ऊपर की संख्या में अभी तक जो मुझे पता चला है लास्ट, वो 600 प्लस था, जिसमें से ज़्यादा बाहर के लोग आए और उनको आकर इसका पता चला। तो बस अभी तो शुरुआत करी है और आगे बस ऐसी कारवां चलता जाएगा और जागृति के नए नए शहरों में अलग अलग तरीके से प्रोग्राम्स होते जाएंगे। जय श्री राम, मेरा नाम नेहा है और मेरी फ्रेंड संध्या इस द्वारे को मानती हैं, उन्होंने मुझे आज इनवाइट किया। मैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ और मुझे इतनी अच्छी वाइब्रेशन आई, इतनी पॉजिटिविटी, क्योंकि यहाँ का ऑरा बहुत प्योर था और जो दीदी भजन गा रहे थे, मतलब मैंने लिटरली एक एक वर्ड को फील किया है कि हम सब विशेष हैं, हम सब खास हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ढूंढना खुद को अपने अंदर ही है। और ये लोग क्या, ये लोग द्वारे से जुड़े हैं, ये डेली आते हैं तो इनकी पॉलिशिंग होती रहती है। हम कभी कभी आते तो थोड़ी देर तो हमें असर रहता है, बट मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, मैं खुद भी कोशिश करूँगी कि मैं आती रहूँ और सबको मैसेज दूँगी कि किसी ना किसी तरीके आप लोग जुड़िए। और सबसे अच्छी बात ये कि यहाँ जो संगत जुड़ी हुई है, इन्होंने अपने बच्चों को जोड़ रखा है। दैट इज़ द बेस्ट थिंग आई फील अमंग ऑल, बिकॉज ये तो ग्रस्त में है, ये लोग चलते रहेंगे, करते रहेंगे, घर का भी चलता रहेगा, लेकिन इनके बच्चे जो अनमैरिड हैं, बच्चे हैं, आज जुड़ रहे हैं, वो आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने वाले हैं। तो आई थिंक सबको किसी ना किसी संस्था से जुड़ना चाहिए। थैंक यू। जय श्री राम। मतलब इस कार्यक्रम को देख करके ऐसा महसूस हुआ कि हम शायद कलयुग में नहीं, हम सतयुग की तरफ वाकई में बढ़ चुके हैं। बहुत अच्छा, सुंदर जो अरेंजमेंट था वो भी बहुत सुंदर था, जितने सज्जन हैं बहुत अच्छे लगे हमें, बहुत अच्छा लगा था। एक्चुअली मैं यहाँ सेकेंड टाइम आई हूँ, वह सुंदरा भी आई थी। यहाँ आके ना मुझे कोई डिफ्रेंशिएट नहीं लगता, कृष्ण जी हनुमान जी सब एक लगते हैं, ऐसा लगता है पावर इज़ वन। तो मुझे यहाँ का ऑरा बहुत पॉजिटिव लगता है और मुझे यहाँ आके बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको इस कलयुग के ज़माने में लोगों को सतयुग की तरफ ले जाने का सतयुग दर्शन ट्रस्ट का ये खास कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे। देश विदेश, राजनीति, धार्मिक, व्यापार, बाजार, लाइफस्टाइल और फिल्मी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया A1 न्यूज़। जो रखिए आपको A1। नमस्कार।